And good morning, all of you. Welcome to the Rainbow Weekly Current Affairs Series uh, presented to you by AlphaS Academy in close association with ABC Education Academy. Uh, now, this Current Affairs Series uh, covers the seven days Current Affairs, that is the previous week Current Affairs till Sunday. Uh, it takes us a couple of days or one day to compile it and you know make lecture, edit it and put it in front of you. Uh, so, if you like it, please subscribe it. And if you have any comments, any opinions feel free to tell us in the comment box also you can reach out to us uh, via whatsapp on instagram whatever you want so starting the week from a very unfortunate news that is the powerful earthquake you know has hit uh, you know hit, hit turkey and syria and over you know 3800 ज अ वेरी स्मॉल नाउ इट्स लाइक थाउजेंड पीपल है मैगनीट्यूड ऑफ सेवन पॉइंट एट है ना सेवन पॉइंट एट का उसका मैगनीट्यूड था और बड़ी अनफॉर्चुनेट थिंग थी इनफैक्ट uh, इंडिया in ने अभी आगे हम बढ़ेंगे ऑपरेशन दोस्त भी चलाया है वहाँ रिलीफ सेंड करने के लिए दो टर्की एंड नॉट अ वेरी क्लोज अलाय टू इंडिया Uh, उन्होंने यू के फोरम्स पे बाबा इंडिया का साथ नहीं दिया है पाकिस्तान का इशू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इशू उन्होंने बहुत बार उठाया है और बट देन यू नो आई सेट दैट यू नो नो अमाउंट ऑफ हेट कैन एलिमिनेट हेट ओनली लव कैन ठीक है तो प्यार बांटते चलो प्यार जरूरी है और यू you नो know, आपने वो इस फोटो से नहीं देखा क्योंकि वो एम आर्मी मेडिकल कॉप्स के वुमेन यू नो टर्की वुमेन हगिंग हर फॉर सेविंग you know, giving her the gratitude to save her life, you know. Um, i believe that that's what humanity stands for, that what the humanity should stand for, and you know, that's the future of humanity. Uh, we should not hate each other. there can be mere disagreements on thought and on various issues, political plus social, but then, you know, when a tragedy like this strikes, we should come together to help everyone, and that's what india have done, and we are pro very, very proud of our country. so, कमिंग बैक टू द टॉपिक मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है देखो मैग्नीट्यूड होता है आपको पहले मैंने समझाता हूँ uh, मान ली ये अर्थ सरफेस है ठीक है और यहाँ पे नीचे का यहाँ पे प्लेट टेक्ट्रॉनिक्स तो बाउंड्री तो नीचे अर्थविक uh, जो होता energy release है यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है वो एक पॉइंट होता है मान लीजिए यहाँ से रिलीज हुई मान लीजिए डेढ़ सौ किलोमीटर डेढ़ सौ किलोमीटर अर्थ के नीचे ठीक है तो ये ये देखो ये जो होगा आपका ये आपका हो जाएगा हाइपोसेंटर ठीक हो जाएगा आपका हाइपोसेंटर सेम इसी के ऊपर जब एग्जैक्ट आप सरफेस पे कोई पॉइंट लेंगे उसको बोल देंगे ठीक है तो मैग्नीट्यूड क्या होता है कि इस हाइपोसेंटर पर कितनी एनर्जी रिलीज हुई उस एनर्जी को नापता है मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड को आप नापते हैं रिक्टर स्केल पे ठीक है और जब आप वन से टू पे जाते हैं तो दस गुना जाता है टू से थ्री पे जाएंगे तो टेन टाइम्स मतलब एक रिक्टर स्केल पर टेन एक्स बढ़ जाता है मतलब टेन एक्स ज्यादा अगर आप वन रिक्टर स्केल की बात करें तो उससे ज्यादा दस गुना ज्यादा भयंकर भूकंप आएगा टू रिक्टर स्केल पे थ्री पे सौ गुना ज्यादा आएगा एक के मुताबिक और दस गुना ज्यादा आएगा दो के मुताबिक तो दैट्स हाउ इट वर्क ऑन टेन एक्स स्केल ठीक है अब अर्थव्य क्यों इफ यू कैन सी या इमेज इन फ्रंट ऑफ यू एक्चुअली हुआ क्या कि अरेबियन प्लेट जो है वो नॉर्थ की तरफ धक्का दे रही थी जिसकी वजह से जो एनाटोरियन Anat प्लेट है वो वेस्टवर्ड मूव कर गई और टर्की जो है उन तीनों ट्राई जंक्शन पे है इन तीनों प्लेट्स के तो वहाँ टेक्ट्रॉनिक मूवमेंट होती रहती है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सॉरी स्ट्रक्चरल स्टैंडर्ड विच आर रिक्वायर्ड यू नो फॉर दिल्डिंग्स टू एडियर टू उन्होंने कुछ भी बना दिया और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग फिर आप देखा कि क्या हुआ धराम से गिरी और हजार लोगों की मौत होगी गई तो दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट तो इन दोनों प्लेट के मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक वहाँ आया अर्थक्वेक के बारे में अगर हम थोड़ा और पढ़ें तो जो वाइब्रेशंस होती हैं उसको सिस्मिक वेव्स बोलते हैं और उसको आप नापते हैं ऐसे अगर आपने देखा होगा एक लगातार तो पॉइंट 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 चलता रहता है ऐसे उसको सिस्मोग्राफ्स बोलते हैं हाइपोसेंटर और एपिसेंटर मैंने आपको समझा दिया और अगर मैं टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक की बात करूँ तो फॉल्ट जोन टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स मल्केनिक अर्थक्वेक ह्यूमन इंड्यूस अर्थक्वेक बहुत टाइप के अर्थक्वेक होते हैं नाउ कमिंग टू द सेकंड न्यूज प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड गवर्नर्स इन ट्वेल्व स्टेट्स टूनियन टेरेटरी इनफैक्ट पीपल हु आर वॉचिंग अस ऑन ए बी सी एजुकेशन अकैडमी फ्रॉम चीफ मिनिस्टर भगत सिंह कोश्यारी हु द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र ही हैज ऑल्सो बिन रिमूव्ड फ्रॉम देर देर आर यू नो पॉलिटिकल डिबेट्स अराउंड इट बट दे नॉट गोइ टू इट अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट गवर्नर जो है वो आर्टिकल वन फिफ्टी फाइव एंड वन फिफ्टी सिक्स के अंदर प्रेजिडेंट करते हैं एंड यू नो दवर्नर ऑल्सो ऑफिस ऑन दी प्लेजर ऑफ प्रेजिडेंट है ना अगर आप इंडियन पॉलिटी की बात करें तो जो प्लेजर ऑफ प्रेजिडेंट है वो है नहीं वो कैबिनेट ही है एक्चुअली तो प्लेजर ऑफ uh, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन में uh, लिखा हुआ है हमें वही पढ़ना है, तो यू नो दे होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेजिडेंट एंड प्रेजिडेंट दस नॉट लाइक ही कैन रिम्यूव दि गवर्नर ऑफ कोर्स व्हेन द कैबिनेट डज नॉट लाइक इट मींस दैट ठीक है असलियत में नाउ आर्टिकल uh, 157 एंड 158 जो होते हैं क्वालिफिकेशन ले डाउन करते हैं गवर्नर बनने के लिए सबसे पहले क्या है ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया पैंतीस ईयर आपकी एज होनी चाहिए थर्टी फाइव ईयर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए एंड आप यू शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अ स्टेट लेजिस्लेचर और यू शुड नॉट होल्ड ऑफ एंड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हैज आल्सो बीन बीन नॉट डिफाइंड इन है देर आर वेरियस केस लॉस बट देन स्टिल दूटी अराउंड ऑफ प्रॉपर्टी ऑफिस ऑफ प्रॉपर्ट रिवॉल्व पावर्स क्या है एग्जीक्यूटिव की बात करें तो कॉन्टीट्यूशन है वो स्टेट की जैसे प्रेजिडेंट कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वैसे ही गवर्नर uh, जो है स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो जब मेजोरिटी होती है किसी भी सरकार की उसका चीफ मिनिस्टर भी वही अपॉइंट करते हैंजिस्लेटिव uh, की बात करें तो वो बिल बनाते हैं पीपल हु आर फ्राम उत्तराखंड अभी आपने देखा होगा कि जो एंटी कॉपिंग लॉ आया है उत्तराखंड में वो एक वाया ऑर्डिनेंस ही आया तो वो किसने गवर्नर जो है प्रेसिडेंट प्रेजिडेंट गवर्नर जो हैं ऑनरेबल गवर्नर उन्होंने उसको पास किया उसको एक्सटेंड दी और फिलहाल दो दिन में कैबिनेट ने उसको पास कर गवर्नर के पास भेजा लेकिन गवर्नर ने वो विद इन फोर्टी आवर्स उन्होंने वो पूरा बिल पूरा लॉ बना दिया जो एंटी कॉम्पिटेटिव लॉ जिसके बाद कि अब ट्वेल्थ ऑफ फेब को दोबारा आपकी परीक्षा हुई देन जुडिशल की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करता है और वो पार्डन रिमिट कम्यूट ये सब भी कर सकता है सेंटेंसेस ऑफ ए कन्वर्टेड पर्सन बट शर्त यही है कि दैट पर्सन शुड बी कन्वर्टेड ऑफ ए स्टेट लॉ तो जहाँ ने स्टेट लॉ एक्सटेंड होता है वहां पर रिमिट रिमिशन जो प्रेजिडेंट कर सकते हैं वो कर, कर, कर सकता है बट देन जब आप लॉज क्या होने चाहिए जो अपराध है वो स्टेट लॉ के अंडर होना चाहिए या स्टेट के खिलाफ होना चाहिए ठीक है फाइनेंशियल बिल की बात करें तो नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन स्टेट विदाउट हिज अप्रूवल ओके नेक्स्ट न्यूज इज ई ट्वेंटी फ्यूल देखो ई ट्वेंटी फ्यूल कुछ नहीं है बीस परसेंट इधर को आपने अस्सी परसेंट पेट्रोल से मिला दिया uh, इसको कहाँ शोकेस किया गया इंडिया एनर्जी वीक ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो इंडिया एनर्जी वीक बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ रिवल ने गैस ये शोकेज दिखाती है कि इंडिया का एनर्जी ट्रांजिशन कैसे टेक प्लेस कर रहा है विच आर दूल्स वी आर मेकिंग हाउ द एनर्जी सस्टेनेबिलिटी ऑफ इंडिया और हाउ विल दी इंडिया सस्टेन ऑन बेटर फ्यूल्स फ्यूल्स ग्रीन इन सब का जो शोकेस है 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 वो चलता रहता है वो पे ठीक नाउ फाउंडेशन ऑफ साउथ फर्स्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट वेरियस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर था वो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर था उसके बाद जो है अमृतसर कोलकाता है देन सी बी आई सी दैट जो अभी जो इनग्रेशन अभी हम जो बात कर रहे हैं न्यूज की वो सी बी आई सी का ही एक पार्ट है दैट इज चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट इसके अंदर जो है आपका एक सिटी है आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम तुमकुरू एंड पुनेरी तमिलनाडु में हैज़ बिन आइडेंटिफाइड प्रायोरिटी नोट्स और जो तुमकुरू से अब जो बनना चालू हो रहा है तुमकुरू पे वहाँ जो है उसको इनाग्रेशन किया गया ठीक है तो ये याद रखें देन एक और जो वाइज वाईजैक चन्नई है ईस्ट कोस्ट है वेस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बहुत सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने हैं ठीक है बट देन दिल्ली मुंबई स्टार्ट हो गया इनफैक्ट अभी दिल्ली मुंबई का जो एक्सप्रेस वे है उसका जो जयपुर तक पार्ट है वो भी इनागरेट कर दिया गया नाउ अभी हमने बात की थी गवर्नर की पार्डनिंग पावर की तो गवर्नर के पास पार्डनिंग पावर जो है आर्टिकल 161 में अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ही कैन यू नो ग्रांड पार्डन एंड पनिशमेंट और सस्पेंड रेमिट कम्यूट भी पनिशमेंट ऑफ कन्विक्टेड पर्सन टू द स्टेट लॉ एक्सटेंड तो स्टेट के लॉ के खिलाफ वो कर सकते हैं कोई सेंटर का लॉ आपने वायलेट किया तो उसको फिर जो है प्रेजिडेंट ही करेंगे ठीक है अब बात करें अगर हम ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की तो बेसिकली कुछ नहीं है आ, ये इंडिया और यूरोपियन यूनियनशिप यूरोपियन यूनियन की रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए बनाया हमने कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है टू डील विथ थिंग्स लाइक नेक्सेज ऑफ ट्रेड ट्रस्ट टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी एंड यू नो टू एनहांस द म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन टू स्टैंड टाइज बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन ठीक है नाउ द्यूज इज विवाद से विश्वास आ, ये दो हैं विवाद से विश्वास वन एंड विवाद से विश्वास टू एक जो है ये बजट दोनों ये दोनों को ही बजट अभी जो बजट आया 2023 का ट्वेंटी 2024 उसमें बोला गया तो विवाद से विश्वास जो वन है वो आपका एम के लिए है उसमें जो है जो कोविड के टाइम एम ने जो प्रॉब्लम फेस करी या जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोक्रोरमेंट कॉन्ट्रैक्ट से वो पूरे नहीं कर पाए तो उसमें उन्होंने लेवरेज दे दिया उनको छोड़ दिया है ठीक है ऐसे ही जो विवाद से विश्वास टू में उसमें भी जो कॉन्ट्रैक्ट प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो छूट दी है वो सरकार ने अपने ही गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स को दी है तो वन में किसको दी है एम को जनरल एमएसएमई को और टू में किसको दी है आ, सरकार ने आ, अपने ही गवर्नमेंट तो तो अंडरटेकिंग्स को तो गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स को नाव बात करें केला देव नेशनल पार्क ये न्यूज़ में था क्योंकि वहाँ पे राजस्थान ने बरपोच किया गया जिसके अंदर ना एक जू बना लेते हैं और इसके अंदर एक भरतपुर बर्ड सेंचुरी है वहाँ पे एक जू बना लेते हैं अच्छा देखो ये जो वेटलैंड है केवला देव नेशनल पार्क ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये याद रखिएगा और ये जो पाथवेज हैं हम बहुत सारे पात्वेज, तीन पाथवेज मेजर हैं वैसे तो तो जो सेंट्रल एशियन माइग्रेटरी फ्लाईवे है उसका ये पॉइंट भी है तो बहुत सारी जो बर्ड्स हैं जब वो जारी होती है माइग्रेटरी बर्ड्स जारी होते हैं तो है, यहाँ पे आकर रुकती भी हैं लेकिन केरला डे जो वेटलैंड है वो नेचुरल वेटलैंड नहीं है वो बारिश पर डिपेंडेंट है तो जब मानसून जब बारिश पड़ती है तभी वो भरते हैं सेकेंड बात उन पर जो पानी है वाटर जो है पम्प जो है बाहर से किया जाता है के ये आप याद रखिएगा कहाँ है केवल दो, दो नेशनल पार्क राजस्थान में इनफैक्ट ये मॉन्ट्रियल में भी है आपका मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भी है ठीक है इट इज इट इज ऑल्सो रामसर वेबसाइट रामसर साइट ठीक है देन द नेक्स्ट अबाउट वुल्फ बी नाउ एग्जो प्लानट है एग्जो प्लानट क्या होते हैं जो सोलर सिस्टम के बाहर होते हैं आठ नेपट्ट्यून लास्ट है नेपट्ट्यून के बाद जो भी प्लानट है वो एग्जो प्लानट है बट देन वो रिवॉल्व करते हैं किसके अराउंड सन के अराउंड ओ सॉरी वो हमारे सोलर सिस्टम का एक हमारी गैलेक्सी में ही है बट देन आउटसाइड दी सोलर सिस्टम जो आठ प्लानट है ठीक है ऐसे ही ड्रॉप प्लैनेट्स की जब हम बात करते हैं तो ड्रॉप प्लैनेट्स भी एक टाइप के एग्जो प्लानट ही हैं बट वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं ठीक है ये थे फर्क एग्जो प्लानट और ड्रॉप प्लानट ड्रॉप प्लानट क्या हो गए कि भैया एक टाइप के प्लैनेट्स जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और एग्जो प्लान क्या होते हैं वो किसी चीज किसी और चीज़ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं दोनों ही होते हैं हमारे सोलर सिस्टम से बाहर हैं ठीक है तो वो जो है ये एक्चुअली न्यूज में इसलिए था क्योंकि यार यहाँ पे ना ये गोल्डी लॉक जोन में है। गोल्डी लॉक जोन क्या है वहाँ हैबिटेबल जोन उसको माना जाता है वहाँ मा, माना जाता है कि वहां किसी ना किसी स्टार पर उस पर पानी मिलने की उम्मीद है बट देख वो इतना दूर ही है कि वहां पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है टाइडली एक कॉन्सेप्ट होता है टाइडली लॉक देखो टाइडली लॉक चीज क्या होती है कि ये अगर मान लिया ए प्लेनेट है ये बी है ये टाइटली लॉक्ड मतलब एक फेज से हमेशा आपको दूसरा एक ही फेज दिखेगा वो मतलब एक साथ ही घूम रहे हैं तो आपको एक बंदे को हमेशा एक ही साइड दिखेगी ठीक है और एक साइड जो है हमेशा उजाले में रहेगी एक साइड जो है हमेशा अंधेरे में रहेगी दूसरे उसके मुताबिक मतलब दोनों एक साथ ही घूमते रहते हैं एक के अनुसार ठीक है जैसे वो है तो एक एक साइड से आपको जो यहाँ पे बंदा खड़ा होगा ना उसे हमेशा यही जगह दिखाई देगी ये वाला पार्ट कभी दिखाई नहीं देगा तो इसको बोलते हैं टाइडली लॉक ठीक है अब बात करें नेक्स्ट न्यूज की तो एक्सटेंडेड रियलिटी एक्सटेंडेड रियलिटी क्या होता है इट्स अ वेरी अमरेला टर्म आपने आर्टिफिशियल रियलिटी सुना कि आप बड़े बड़े वीआर सेट वर्चुअल रियालिटी सेट लगा दिए और आप गेम खेल रहे हो डर रहे हो तो ऐसे जब आपने सेट लगा दिया वर्चुअल रियालिटी होगी ऑर्गुमेंटेड रियालिटी होगी कि आप नेचुरल इन्वायरमेंट में भाई आपने दो चार पेड़ जो है चश्मे के अंदर आपने चश्मा लगाया और आपको जो है पेड़ों के साथ दो चार पेड़ बंदूक बंदूक देख रहे हैं तो ये आपकी ऑर्गुमेंट रियलिटी होगी आपने ऑर्ग्यूमेंट कर दिया और एक होता है आपकी मिक्स रियलिटी जहाँ पे आप वर्चुअल प्लस ऑग्यूमेंटेड का यूज़ करते हैं तो ये जो है इन सब के लिए जो है एक अम्ब्रेला टर्म मतलब इन सबको जो है एक चीज़ के अंदर डाल दिया दैट इज एक्सटेंडेड रियलिटी जो रियलिटी से परे है जो रियलिटी नहीं है ठीक है अब बात करें अगर हम युवा संगम पोर्टल की भाई युवा संगम पोर्टल क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशियेटिव है एक्चुअली ये देखा गया कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो एरियाज हैं वहाँ लोगों के मन में एक डिफरेंट परसेप्शन रहता था तो उस परसेप्शन को और वो नेगेटिव परसेप्शन है थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली तो उस परसेप्शन को खत्म करने के लिए इंडिया ने बोला कि यार इन्हें घुमाओ नॉर्थ ईस्ट ये जो यूथ्स हैं हमारे इन्हें नॉर्थ ईस्ट ले जाओ इन्हें जो आर्ट स्टेट्स हैं वहाँ घुमाओ वहाँ की संस्कृति के बारे में समझाओ वहाँ के कल्चर के बारे में समझाओ और एक मेन स्ट्रीमिंग करो ठीक है एलिन नहीं होना चाहिए मेन स्ट्रीमिंग करो और इसको जो है एक बारह स्टेट भारत के अंदर कॉन्सेप्टलाइज किया गया था और वेरियस डिपार्टमेंट है कल्चर टूरिज्म मिनिस्ट्री टूरिज्म मिनिस्ट्री कल्चर मिनिस्ट्री रेलवे मिनिस्ट्री ये सब मिलकर इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं देन बात करें चंद्रयान थ्री की तो चंद्रयान देखो चंद्रयान जो पिछला था वो एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली उसका रोवर और जो लैंडर था वो क्रैश हो गया था बट देन ऑर्बिटर सही था तो इस बार ऑर्बिटर नहीं भेज रहे चंद्रयान थ्री में हम लोग जो है लैंडर और रोवर भेजेंगे साउथ पोल पे भी भेजेंगे मून के 2023 में भेजेंगे और जी जो हमारा एम है सबसे मोस्ट पावरफुल रॉकेट जो है उससे भेजेंगे और जी एस एल आपको बताइए कि इट्स अ थ्री स्टेज रॉकेट पावर बाय क्रायोजेनिक इंजन क्रायोजेनिक इंजन का मतलब कि वो जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को है एज अ फ्यूल ऑन अ वेरी लो 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 टेम्परेचर पे यूज़ करता है ठीक है देन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों न्यूज़ में है यह सब तो बताइए आपको क्योंकि अरानी हिंडरबर् कॉन्ट्रोवर्सी से अपोजिशन बोल रहा है कि जेपीसी अपॉइंट करो ये क्यों होता है देखो जेपीसी जो होती है वो एड ऑफ कमेटी होती है वो परमानेंट नहीं होती है उसको जो है स्पेसिफिक पर्पज के लिए ही बनाया जाता है और जब वो पर्पज़ हो जाता है उसके बाद उसको ख़त्म कर दिया जाता है इसमें जो है दोनों हाउसेज के मेम्बर्स होते हैं और मेम्बर्स फ्रॉम रूलिंग एज वेल एज अपोजिशन होते हैं और वो मिल बांट के डिस्कशन करते हैं इंक्वायरीज uh, करते हैं रिसर्च करते हैं उसके बाद एक रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं पार्लियामेंट को उसके बाद उसका उनका रूल खत्म हो जाता है अब जो उनकी रिकमेंडेशन है वो बड़ी परसुएसिव इन नेचर है दैट्स नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट ठीक है आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट देन इंटरनेशनल एनर्जी फोरम तो इंडिया ने अभी नाइन्थ एशियन मिलिस्ट्रियल एनर्जी राउंड टेबल एसोसिएशन एट आई इन बेंगलोर होस्ट किया आई कुछ नहीं है एक्चुअली सेवेंटी टू कंट्रीज़ हैं इसमें इसमें जो तेल बनाती हैं वो कंट्रीज भी हैं जो तेल की लार्जेस्ट कंज्यूमर है वो भी हैं तो सेवनटी टू कंट्रीज हैं मेन बात यह कि इंडिया भी इसका मेम्बर इसका हेड क्वार्टर रियाद सऊदी अरेबिया में ठीक है तो इंडिया ने अभी, अभी अपना फर्स्ट थ्री प्रिंटेड रॉकेट इंजन टेस्ट किया एक्चुअली इसको बनाया है, एक आई मद्रास के अंदर एक इनक्यूबेशन लैब चलती है उसको अग्निकुल कॉस्मोज है तो उन्होंने क्या किया होता गया नॉर्मली आप बहुत सारे पार्ट्स लेके आए आपने उसको असेंबल किया और एक इंजन बना दिया थ्री प्रिंटर में क्या होता है कि एक ही बारी में एक ही बारी में आप उसको प्रिंट करते चलते हैं सारे जो आपके पार्ट्स हैं एक साथ ही बनते चलते हैं तो अग्नि लेट उसको बोला गया और उसने जो है लगभग लगभग लग सिक्स लग किलो न्यूटन की थ्रस्ट पैदा किया सेमी क्रायोजेनिक इंजन है मतलब सेमी क्रायोजेक मतलब वो लिक्विड कैरोसिन uh, का इस्तेमाल करता है रूम टेम्परेचर पे और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है एट अ सुपर कूल मतलब एट अ वेरी वेरी लो टेम्परेचर एज फ्यूल ठीक है very, very fuel, तो कंग्रेचुलेशन टू आई मद्रास इंक्यूबेशन लैब अग्रिकुल कॉस्मोस नाउ विवाद से विश्वास विश्वास इसकी मैंने आपको समझा दिया टू में वही कॉन्ट्रेक्चुअल जो एग्रीमेंट uh, थे गुड्स एंड उसके प्रोक्योरमेंट में छूट दी गई किसी टू में किसी छूट दी गई गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स को दी ठीक है नाउ पुअर ऑफ ए कंट्री एमिट्स लेस लूज मोर क्लाइमेट इन इनक्वालिटी रिपोर्ट तो ये दिखाता है कि जो गरीब व्यक्ति है वो जो है कम एमीशन करता है बर्दन जो उस पर क्लाइमेट एमिशन का इम्पैक्ट जो है वो सब पे बराबर ही होता है बर्तन ये दिखाए गरीब पर ज़्यादा होता है ठीक है तो यही बात वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब ने कही द नेक्स्ट न्यूज इज़ अबाउट दी ग्राउंड वाटर क्वालिटी तो सेंट्रल जो ग्राउंड वाटर बोर्ड है उन्होंने दिल्ली का वाटर चेक किया उन्होंने बोला कि एक तो ब्रैकिश हो गया इसमें सॉल्ट की कंटेंट बहुत ज़्यादा है और इसमें नाइट्रेट्स और यूरेयम है तो नाइट्रेट्स क्या है एनओ थ्री होता है उसमें आ, बहुत ज़्यादा हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है खासकर बच्चों की हेल्थ पे ठीक है और यूरेनियम जो है आपको पता बताइए एक नेचुरली रेडोएक्टिव केमिकल एलिमेंट होता है इससे जो है नेफ्रिसिस हो सकता है आपको

अर्थ का ओल्डेस्ट एनिमल है और ये हमें आ, इसके जो रिमेन्स मिले हैं बहुत जगह बेसल एनिमल था ये एक्चुअली एक टाइप का मतलब उसकी जो सिमिट्री थी वो रेडियल थी रेडियल मतलब गोल है से और ये हमें बता सकता है कि कैमरिन ऐसा क्या हुआ कि जो अर्ली एंड सिंपल ऑर्गेनिज्म थे उसके बाद जब हम केबेनियन पीरियड में, में आए तो एकदम एक्सप्लोजन हो गया पॉपुलेशन का और डिकनसोनिया के जो रिमेन्स हैं दे हैव बीन फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया रशिया यूक्रेन एंड चाइना नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट देन यू नो यू शुड स्टडी वाई ट्वेंटी क्या है U20 ट्वेंटी है और एक्चुअली आपको पता है कि जी ट्वेंटी होस्ट करेगा अभी जब तो बट जी ट्वेंटी में होता क्या है कि जब प्रेगनेंसी आपके साथ साथ आती है तो आपके जो वेरियस मिनिस्टर हैं वहाँ के बच्चे जी ट्वेंटी के जो बच्चे हैं यूथ पार्लियामेंट ये सब फंक्शन जो है पूरे साल चलते रहते हैं कुछ ना कुछ कहीं 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 कहीं, कहीं। इनफैक्ट जो स्टार्टिंग हुई शायद जोधपुर से हुई थी तो अभी वहां के जो इनके जी ट्वेंटी के जो मेंबर्स के जो यूथ है वो आए वहां पर डिसकस कर रहे हैं कि जी ट्वेंटी का फ्यूचर क्या है कैसे जो है उसको यूज़ किया जा सकता है कि आगे जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है क्लाइमेट चैलेंजेस है जो भी आगे ग्लोबल इशूज आएंगे या ग्लोबल चैलेंजेस आएंगे उसे कैसे जी ट्वेंटी मिलकर आपस में फेस कर सकते हैं तो अभी यूथ कर रहे हैं फिर लास्ट में जब इसका कम्बिनेशन होगा तो जो हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ जी ट्वेंटी की वो इंडिया आएंगे ठीक है ऐसे ही वर्क करता है देन इंडिया का जो एक्रेडिटेशन सिस्टम है वो फिफ्थ रैंक किया गया ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स के द्वारा जैसे हमारी मैट्रिक्स हैं जैसे हमारा क्वालिटी काउंसिल है जैसे गोल्ड के लिए बोलते हैं ना बिस मार्क्ट है ना ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है तो ऐसे इंडस्ट्री मतलब बोला कि स्टैंडर्ड जो हैं इंडिया के ठीक है पाँचवें नंबर पर हैं और ये बात एक मेरी जर्मन तो बहुत अच्छी नहीं है बट देन मैं मैंनाउंस करने की कोशिश करता हूँ सिकलिक्स टेक्नीशी ब्रॉन्शांत और फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन डेवलपमेंट जर्मनी ने निकाली और अब ये बायस कह सकते हैं लेकिन जर्मनी नंबर वन पे था उसके बाद चाइना था यूएस था एंड इंडिया जो है ओवरऑल टेंथ पे था वैसे वो फिफ्थ रैंक पे था ठीक है और ये मेट्रोलॉजी स्टैंडर्डाइजेशन एक्रेडिशन को प्रमोट करने के लिए ये सब काम करते रहते हैं देन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो है लिथियम डिपॉजिट फाइंड किए हैं जम्मू एंड कश्मीर में बड़ी अच्छी बात है क्योंकि अब लिथियम क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात जब हम करते हैं तो उसमें लिथियम एल आपने देखा होगा कहीं बैटरी पर एल लिखा हो तो लिथियम आयन बैटरी लगती है और लिथियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लिथियम को जो है वाइट गोल्ड भी बोला जाता है और इट इज़ द फर्स्ट एलकली अगर आप प्योरिटी टेबल देखें इट इज द फर्स्ट एलकली एंड इट इज अ नॉन फेरस मटीरियल एंड इट इज ऑल्सो द लाइटेस्ट सॉलिड मेटीरियल ठीक है उसका जो वेट है बहुत कम है इट इज द लाइटेस्ट सॉलिड सौ, मेटल एंड इट हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ ऑल मेटल्स तो मेटल्स के अंदर सबसे लो डेंसिटी किसकी है लिथियम की लाइटेस्ट सॉलिड मेटल कौन सा है लिथियम क्या कहते हैं इसको वाइट गोल्ड टेबल में फर्स्ट एलकली है ये ठीक है रिजर्व की बात करें तो लगभग लगभग लग पचास परसेंट जो है ग्लोबल लिथियम जो है वो तीन ही कंट्री में पाया जाता है ए बी सी से इसको याद रख लेना अर्जेंटीना बोलीविया एंड चिली ठीक है इसको लिथियम ट्राइंगल ऑफ साउथ अमेरिका भी बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया ग्लोबल लीडर है अभी लिथियम प्रोडक्शन में इंडिया का जो फर्स्ट लिथियम रिजर्व था वो मर मरला गला अल्लाह पटना रीजन ऑफ कर्नाटका में एक मंडिया डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पाया गया था ठीक है इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि रिचार्जेबल बैटरी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ रहे हैं उसमें इसको बहुत जरूरत होती है लिथियम uh, ऑक्साइड जो होता है उसको स्पेशल ग्लास एंड ग्लास सेरामिक्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है देन क्रिटिकल मिनरल फॉर एनर्जी ट्रांजिशन एंड नेट जीरो इमिशन हायर रिलायंस ऑन लिथियम तो लिथियम हमें आगे चाहिए ही चाहिए नेक्स्ट न्यूज फिफ्थ इंटरनेशनल मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज कांग्रेस कंक्लूड्स इन वैनकूवर कैनेडा तो मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज है इंडिया में अब मैप में आप देख सकते हैं आपके सामने मैप आप चल रहा है ये सब मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज हैं इंडिया के बहुत साफ फोटो में मिल नहीं पाई बट यही था जो था ये सारे भी नहीं है तो मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज हैं यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे प्रोफेशनल आते हैं वो बात करते हैं कि जो मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उसे कैसे हम बचा सकते हैं हमारे जो समुद्र के रिसोर्स हैं उन्हें कैसे बता सकते हैं और उसका जो एम है वो है टू प्रोटेक्ट थर्टी परसेंट ऑफ ग्लोबल ओशन बाय ट्वेंटी थर्टी तो थर्टी इन टू थर्टी प्रोग्राम भी चलाते हैं उसके लिए वो और एक कन्विंग मॉन्टेर मौन्ट, ग्लोबल बायोडावर्सिटी फ्रेमवर्क है जिसका ऑब्जेक्टिव था आवर ओशन आवर फ्यूचर आवर रिस्पांसिबिलिटी ये उसको भी इम्प्लीमेंट करते हैं देन अगली बात करते हैं क्वाओर ठीक है कुआर की तो कुआर क्या कुछ नहीं कुआर एक टाइप का एक ड्वार्फ प्लेनेट है दो हज़ार दो में डिस्कवर हुआ था ट्रांस नेपट्टूनियन ऑब्जेक्ट है मतलब नेपट्टून के पार है और आ, इसका जो रेडियस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके जो रिंग इस पोजिशन एट ए डिस्टेंस ओवर सेवन प्लेनेटरी रेडिया है तो जो रिंग है वो सात जो अगर हम ऐसे मैं लाइन खींचूँ सर सात की तो इसकी जो रिंग है वो इससे बनती है ठीक है तो ठीक है मतलब इम्पोर्टेंट कह भी सकते हो नहीं कर सकते बट देन कुआर याद रखना कि डॉफ प्लैनेट है देन बात करें तर्कश की तो तर्कश एक जॉइंट एक्सरसाइज है इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी ग्रुप और यूएसओ एफ दैट इज यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है इस बार जो अगर बाई चांस कोई केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर टेरर अटैक हो जाता तो उसके रिस्पांस में हम कैसे काम करेंगे उस पर इन्होंने पहली बार प्रैक्टिस करी देन दी नेक्स्ट न्यूज इज मिशन अंत्योदया सर्वे हाँ ट्वेंटी ट्वेंटी इसको किसने लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ने हर साल इस कंडक्टेड बाय इसको किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डिवेलमेंट इन ट्वेंटी एंड यू नो वट इट एम्स टू एस एस आउटकम ऑफ वेरियस डेवलपमेंट स्कीम्स इन रूरल एरियाज तो रूरल एरियाज में जो भी स्कीम लागू हो रही है जैसे मनरेगा हो गई या कोई भी स्कीम है ठीक है तो उसका जो इम्पैक्ट था या कैसे इम्प्लीमेंट की गई या अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट की गई उसको ये सब एस एस करता है ठीक the तो है देन द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ एस एस एल वी ठीक है तो पी एस एल वी है पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल जी एस एल वी है जियो सिंक्नोरस लॉन्च व्हीकल एस एस एल वी है स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल थ्री स्टेज होता है ये ठीक है छोटी छोटी सेटेलाइट्स को छोड़ने के काम आता है इसका जो आप 10 किलो से लेके 500 किलो तक 500 किलोमीटर तक ऑर्बिट में भेज सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द वेट और इसको जो है आप जी एस एल वी और पी एस एल वी को तो आप सिर्फ हॉरिजॉन्टली सॉरी वर्टिकली असेंबल कर सकते हो इसको जो आप प्लस वर्टिकली दोनों तरीके से असेंबल कर सकते हो ठीक है देन बात करें नेक्स्ट न्यूज की इंक्लूसिव फोरम ऑन कार्बन मिटिगेशन अप्रोचेस तो इट इज अ अम बाई सी डी दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट एंड इट विल हेल्प इंप्रूव ग्लोबल इंपैक्ट ऑफ एमिशन रिडक्शन एफर्ट्स थ्रू बेटर डाटा एंड इफॉर्मेशन शेयरिंग एविडेंस बेस्ड म्यूचुअल लर्निंग तो डाटा शेयर करेंगे भैया ऐसे ऐसे करो इससे कम एमिशन होता है इससे ज्यादा एमिशन होता है आपने पता लगा इलेक्ट्रिक ले आए इलेक्ट्रिक का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पता लग रहा है कुछ गड़बड़ी हो रहा है तो ये सब जरूरी है कि वर्ल्ड जो है आपस में देखो वर्ल्ड जो है डीपली कनेक्टेड है तो म्यूचुअल कॉपरेशन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल ट्रस्ट से ही काम चलने वाला है आगे देन द नेक्स्ट यूज इज लिम्फेटिक फ्लैरसिस देखो लिम्फेटिक फ्लैरिस क्या हो लम्फेटिक सिस्टम क्या होता है कि हमारे अंदर एक पूरे बॉडी में सिस्टम होता है ठीक है जो कि व्हाइट ब्लड सेल्स पैदा करता है व्हाइट ब्लड सेल्स किस लिए इंपॉर्टेंट है वो हमें इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं लिम्फेटिक फ्लैसिस जो है उस सिस्टम को लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है वर्ल्ड ब्लड सेल जो बनाता है उसको वीक कर देता है अब जो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर ये आता है इन्होंने बोला है कि हम दो तक लिम्फेटिक फ्लैरिस को हटा देंगे इंडिया से जो ग्लोबल टारगेट है वो दो तक का है लिम्फेटिक फ्लैसिस एक टाइप का निगलेटेड ट्रॉपिकल डिजीज भी है ट्रॉपिकल निगलेटेड ट्रॉपिकल डिजीज वो होते हैं जो मेनली ट्रॉपिकल डिजीज में ही पाए जाते हैं जिनकी डोमिनेंसी इक्वेटर के आसपास वाले रीजन या ट्रॉपिकल रीजनस में पाई गई है इसके सिम्टम्स क्या हैं एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स कॉज बाय निमेडोटो राउंड बॉम्ब्स होते हैं हमारे पेट में कई बार उससे हो जाते हैं या फिर मॉस्किटोज से भी हो जाते हैं कलेक्स एनिफोलिस एन एडिज इससे ट्रांसमिट हो सकता है नाउ टू हंड्रेड बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महर्षि दयानंद सरस्वती वॉज देर दो ही अ बिलीवर इन हिंदुजम बट देन वो जो हमारे यहाँ रिचुल्स होते हैं उसके बड़े खिलाफ़ थे आइडल वर्शिप के बड़े खिलाफ थे ठीक है और उन्होंने कॉल दी थी बैक टू वेदास बैक टू वेदास नॉट बैक टू विच वेदा बैक टू रिक वेद ठीक है उन्होंने आर्य समाज एस्टैब्लिश किया था एटीन सेवनटी फाइव में ठीक है उसके बाद एटीन सेवनटी सिक्स में ही वॉज द फर्स्ट वन टू गिव द कॉल फॉर स्वराज दैट इज इंडिया फॉर इंडियंस उन्होंने शुद्धि मूवमेंट भी, भी स्टार्ट की थी शुद्धि मूवमेंट वेयर द पीपल कैन कम बैक टू हिंदू एज अ रिलीजन जो पहले कन्वर्ट हो गए थे ठीक है देन एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात करें तो उन्होंने नंबर ऑफ ग्रुकुल सेटअप किए यहाँ पे वेदास पढ़ाए जाते थे डी ए वी कॉलेज आज भी इंडिया में चलते हैं तो उसी का फुल फॉर्म है दयानंद एंग्लोवेदिक कॉलेज उन्होंने इस्टैब्लिश किए और फर्स्ट जो डी कॉलेज था वो आपका लाहौर में एटीन में इस्टेब्लिश किया था और लाजला हर्षराज वॉज इज हेड मास्टर पब्लिकेशंस की बात करें तो सत्याप्रकाश संस्कार विधि यजुर्वेद भाष्यम इनके पब्लिकेशंस थे भाषणी मिशन तो आपके पास भीम यूपीआई सबने देखा होगा भीम ऐप जो है गवर्नमेंट की तो भाषणी सिस्टम एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक सिस्टम है जहाँ पे कि डिफरेंट भाषा भाषा मतलब लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है तो उसको जो है इंटीग्रेट कर रहे हैं वो यू के साथ अब आप की कोशिश ये है कि जो और यूपीआई है यू पी वन टू थ्री जो है उसको आप ट्वेंटी लोकल लैंग्वेजेस में इस्तेमाल कर सकें देन ऑपरेशन दोस्त की बात करूं अगर मैं तो ऑपरेशन दोस्त आपको पता ही है इंडियन आर्मी का एक ऑपरेशन है जो कि ह्यूमैनिटेरियन एड सेंड कर रहा है सीरिया एंड टर्की को वेरी प्राउड वेरी वेरी प्राउड वेरी गुड थिंग ठीक है देन मिलिट इंटरनेशनल इनिशियटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस मिलिट की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है मोटा मोटाना जिसको बोलते हैं क्योंकि उसका शुगर जो डायबिटिक कैपिटल बनते जा रहे हैं वर्ल्ड की इनफैक्ट uh, हैं हम डायबिटिक कैपिटल तो काफ़ी अच्छा उसका इम्पैक्ट देखा गया मॉडर्न अनाज का तो वापस जा रहे हैं इनफैक्ट यू ने जो है ट्वेंटी ट्वेंटी को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलट्स भी घोषित किया हुआ है और इसका जो सेक्रटेरियट है मीडिया का वो दिल्ली में होगा और ये जो है सपोर्टिंग प्रोग्राम रिसर्च देखेगा मिलट्स पे देन अगली बात करें अगर सुगकन्या समृद्धि अकाउंट तो ये आप uh, जब से आपकी बिटिया पैदा हुई है उससे दस साल तक की उम्र तक आप खुलवा सकते हैं मिनिमम आपको दो सौ जमा करने होंगे एक साल में और मैक्सिमम आप डेढ़ लाख जमा कर सकते हैं फॉर फर एजुकेशन एंड हर मैरिज ठीक है नाइस थिंग अ वेरी नाइस इनिशिएटिव इसमें आपको फिक्स एक फिक्स रिटर्न मिलता है वो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम सरकार चेंज करती है एंड दे लास्ट न्यूज इज डेटा एमबेस देखो डेटा एमबे एम्बेसीज होती है पर डेटा एमबेसिस क्या हो गया इंडिया ने भाई इंडिया की एक कंपनी है इंडिया का इंडिया का एक कोई ऐप है मान लिया एक्स एक्स एप है एक्स एप जो है चाइना में काम करता है और चाइना में जो है आ, बहुत सारा डाटा वो कलेक्ट करता है तो चाइना क्या करेगा इंडिया जो है डाटा एम्बेसी अब चाइना बोलता है कि आप हमारा डाटा बाहर नहीं जा सकते तो बोले ठीक है हम डाटा बाहर नहीं ले जा सकते हम वहीं पे एक सेंटर सेटअप करेंगे हमारे जो प्रोसेसरस हैं वो सब वहीं रहेंगे बट जो उस पर जो लॉज होंगे वो हमारी कंट्री के लेंगे तो ऐसे ही इंडिया ने भी डाटा एम्बेसी सेट किया गिफ्ट सिटी जो अहमदाबाद में उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर डाटा यहीं पर रखो सर्वर्स यहीं बनाओ और आप अपने लॉ के हिसाब से इस डाटा को गवर्न कर लो तो उसी को डाटा एम्बे बोलते हैं इनफैक्ट एस्टोनिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू सेट अप डाटा एम्बेसी आउटसाइड द टेरिटरी लक्जम्बर्ग में इन 2017 तो दिस वॉज ऑल फॉर द वीकली करंट अफेयर्स थैंक यू वेरी मच एंड आई होप यू ऑल यूल डूइंग ग्रेट एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट ऑन अलफा ये अकेडमी एज वेल एज ए बी सी एजुकेशन अकेडमी So, we must remember the martyrs of Pulmama attack. Um, may their soul rest in peace. And, uh, you know, also being the Valentine's Day, uh, we should remind ourselves that, you know, no amount of hate can eliminate hate, only love can. So, happy Valentine's Day to all of you, also. Take care and bye bye. See you.